इस वीडियो में हम ग्लेंड फार्मा के स्टॉक्स का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, जिसको हम वीकली चार्ट, डेली चार्ट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वीकली चार्ट, डेली चार्ट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। 15 मिनट का उपयोग आप इंट्राडे के लिए कर सकते हैं और वहीं डेली और वीकली चार्ट का प्रयोग आप पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। ये हमारे एक व्यूवर्स के द्वारा पूछा गया सवाल था कि ग्लेंड फार्मा का शेयर का टेक्निकल एनालिसिस बताइए। अगर आपके मन में भी किसी शेयर के बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उस शेयर का कंप्लीट रिव्यू आपको बताएंगे। साथ ही साथ बता दें, अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्री ट्रेनिंग चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जीरोधा में कर सकते हैं और आप फ्री ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब देखिए, ये ग्लेंड फार्मा का वीकली चार्ट है। स्टॉक्स यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड बनाने के बाद यहाँ पर स्टॉक्स थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन दिखाया। करेक्शन दिखाने के बाद जब ये फिर से यहाँ पर ट्रेंड को चालू किया, मतलब अप ट्रेंड में, तो ये यहाँ पर ये लोअर हाई बनाया। ये देख सकते हैं, यहाँ लोअर हाई बना। लोअर हाई बनने के बाद जो है ये कंफर्म हो गया कि स्टॉक अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ये जो एक ब्यूटीफुल रेड कैंडल है, ये ब्यूटीफुल रेड कैंडल क्लियर कर दिया कि ये लोअर हाई है और यहाँ से ये ट्रेंड बेयरिश हो गया। फिर यहाँ पर बेयरिश ट्रेंड देखने के बाद यहाँ पर एक लंबा कंसोलिडेशन देखा देखने मिला स्टॉक्स में। फिर इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, स्टॉक देख सकते हैं कंप्लीट रूप से अभी बेयरिश ट्रेंड में है। यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना और बुलिश कैंडल बना, जो कि कोई भी बुलिश साइन यहाँ नहीं दे रहा, एक नॉर्मल बुलिश कैंडल है। तो वीकली चार्ट पर ये कंप्लीट रूप से बेयरिश ट्रेंड में दिख रहा है। अब हम डेली चार्ट पर देखते हैं कि स्टॉक्स का जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या हमें कोई रिवर्सल का साइन यहाँ पर दिख रहा है ट्रेंड में या नहीं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर जो पैटर्न है डेली चार्ट पर, यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगा क्योंकि स्टॉक्स तो कंप्लीट रूप से डाउन ट्रेंड में है। देखिए, फिर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये इसे कहते हैं हम फॉलिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज पैटर्न जब ये यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद जो नियरेस्ट रेसिस्टेंस जहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आया है, तो यहाँ से सेलिंग आया है 3175 रुपया के ऊपर। जैसे स्टॉक इसको ब्रेक करने के बाद या इसको रिटेस्ट करने के बाद निकलता है तो ये पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा। ये होता है फॉलिंग वेज पैटर्न। तो ये फॉलिंग वेज पैटर्न में इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करता है तो ये स्टॉक बुलिश हो जाएगा। अब देखिए, इस फॉलिंग वेज पैटर्न में स्टॉक जो है और ज़्यादा बेयरिश कब होगा, तो यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बना रखा है। जब इस सपोर्ट जोन को स्टॉक्स ब्रेक करेगा, ये सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक और काफ़ी ज़्यादा बेयरिश हो जाएगा। वही बात करें, ऊपर जो रेसिस्टेंस जोन है, ये इसका रेसिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर पुल बैक देखने मिल सकता है। लेकिन बुलिश कब होंगे, जब ये 3175 रुपये के ऊपर निकलेगा तब ये कंप्लीट रूप से यहाँ पर बुलिश होगा। क्योंकि आप देखिए, एक लंबा यहाँ पर सपोर्ट जोन था पहले, अब बन गया ये रेसिस्टेंस जोन। इसके ऊपर जाएगा तो पूरी तरह से बुलिश होगा, यहाँ पर हमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो हमें पुल बैक को ट्रेड नहीं करना है, हमें जो पूरी तरह से कंप्लीट बुलिश ट्रेंड होगा उसे पकड़ना है। अब देखिए, ग्लेंड फार्मा का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया और ये कंप्लीट रूप से यहाँ पर बेयरिश ट्रेंड में है। मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे और लॉन्गर टाइम फ्रेम, जो डेली चार्ट है, वीकली चार्ट है, सब पे स्टॉक्स जो है बेयरिश ट्रेंड में है। और यहाँ पर जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना कर दे तब तक ये बुलिश नहीं होगा, क्योंकि ये लॉन्गर टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। और देखिए, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हुआ स्टॉक्स नीचे गिर गया, फिर इस रेसिस्टेंस जोन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा, फिर ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा तो ये बेयरिश हो जाएगा। तो ये ग्लेंड फार्मा स्टॉक्स का कंप्लीट रिव्यू है। अभी आपको इसमें सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पर ऊपर रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।